स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जो रेडीमेड हमारे प्लाजो होते हैं उनकी हमने फिटिंग करनी है, तो हमें किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा नाप का प्लाजो है और इसकी हमने फिटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमने ये इसका नाप लेना है इस प्लाजो का, और इसकी हमने इस तरह से खोल लेना है। एक साइड का जो हमारा प्लाजो का एक साइड का पीस है, और उसको हमने सबसे पहले उसकी लेंथ देखेंगे। तो इसकी लेंथ है 37, ये देखिए इसकी जो लेंथ है वो 37 है। और उसके बाद हम इसकी जो मोरी है उसका नाप लेंगे। तो इसकी मोरी हम जो हमारी ये बीच की सिलाई होती है राउंड शेप में, तो जो ये हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से पूरा खींच कर देखेंगे, तो इसकी जो मोरी है वो 20 है, यानी 20 इंच की है। और उसके बाद जो हमें हमारा आसन है उसकी हम लंबाई देंगे कितनी है। तो जी, ये ऊपर हमारे बीच में आसन की सिलाई है, तो सबसे ऊपर हम रखेंगे यहीं पर और देखेंगे कि इसकी सिलाई, ये तैयार आसन हमारा 14.5 इंच का है। और यहीं पर हम जो आसन पर हमारी चौड़ाई, क्योंकि जो हमें फिटिंग देनी है वो यहीं तक देनी है, तो फिर यहीं पर हम इस तरह से साइड में आसन को खींचते हुए इस तरह से देखेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हम नाप लगाएंगे। जो तो ये 19.5 है, तो 19.5, तो ये 19.5 इंच की है। तो यहाँ पर हम इसी के अकॉर्डिंग जो है हम दूसरे अपने प्लाजो पर निशान लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उस पर अपने निशान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर हमें निशान लगाने हैं, और ये हमारा काफ़ी खुला प्लाजो है, तो इसको हम सबसे पहले उल्टा कर देते हैं। तो उल्टी साइड हमें इस पर निशान लगाने हैं। सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे, तो इसकी लेंथ भी हमने इस तरह से ये देखें जैसे हमने उसमें देखी, तो ये 37 है, तो इसमें हमें कोई कटिंग या कुछ नहीं करना है, तो ये भी हमारी 37 है। उसके बाद हम जो मोरी का निशान है वो लगाएंगे, तो हमारी जो मोरी थी वो हमने 20 रखनी है। तो इस तरह से जो हमारी धरबन साइड है ये, इस साइड से हम निशान लगाने हैं। तो ये हमारी राउंड शेप की सिलाई है, तो इस साइड हमें ये 20 पर निशान लगाना है इस तरह से, और 1.5 इंच का हम मार्जिन आगे रख देंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर हमें अपने आसन पर सबसे पहले हमने जो हमारा आसन है कोच एरिया है उसको हम निशान लगाएंगे, तो इसी तरह ऊपर की तरफ रख के, और ये 14.5 इंच का है, तो यहाँ पर हम सिलाई निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई देनी है अपनी, और उसके बाद जो हमें यहाँ की चौड़ाई देखनी है वो देखेंगे। तो हमारी ये चौड़ाई 19.5 है, तो यहाँ पर हमें कोई कटिंग नहीं करनी, तो ये हमारी पूरी 19.5 है, तो ये इसमें हमें कोई कटिंग नहीं करनी, 19.5 इंच की है ये। तो सबसे पहले जो ये हमारा निशान है इसके नीचे हम 1/2 इंच का लगा देंगे निशान, और जो हमारी फिटिंग है वो यहाँ से यहाँ तक हम फिटिंग देंगे। तो ये हमारी फिटिंग होगी, और उसके बाद जो 1.5 इंच का हमने मार्जिन का निशान लगाया वो हमारा कटाई का निशान होगा। तो इस तरह से हम इस पर कटाई कर देंगे, और इसको हम डार्क करके अपनी दूसरी तरफ भी इसके निशान को छाप लेंगे। तो इस तरह करके हम ये अपने दोनों मोरी के निशान को मिलाएंगे इस तरह से। और जो हमारे फिटिंग के निशान है वो हम छाप लेंगे इस तरह से करके। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम अपने दोनों तरफ निशान को डार्क कर लेंगे, और इसी के ऊपर हमें फिर सिलाई लगानी है। तो चलिए हम अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। जो हमने ये निशान लगाया है इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सिलाई देंगे। और ये नीचे देखते रहेंगे हमारा कोई कपड़ा इकट्ठा ना हो। और जो आसन पर हमारे 14.5 थी, तो ये हमारा निशान है 14.5, तो आसन पर भी हम उतनी सिलाई लगाएंगे जितना हमारा तैयार आसन है। जो ये
ये मोरी है, ये पूरे 20 इंच की हमारी है, तो इसी निशान तक हम दोनों की इसको इस तरह मिलाकर नीचे ऊपर के और सिलाई लगानी है और इसको लगानी है। तो ये देखिए इसको हम फिर पैक कर लेंगे और ये डबल सिलाई फैन हम इसके ऊपर कर देंगे इस तरह, ताकि हमारी सिलाई अच्छे से पक्की हो जाए। इस तरह देके हमें इसको पक्की कर देनी है दोनों तरफ, इसी तरह से हमें लेनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स ये हमारी दोनों साइड की सिलाई अब अच्छे से पक्की हो रही है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये हमारी सिलाई का निशान है, इससे जो आगे हमने निशान मार्जिन का लगाया था उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से जहाँ तक हमें एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे और जितना हमने इसमें रखना है उतना हम इसको रख लेंगे। इसी तरह हमें इस साइड भी आसन पर हमारा थोड़े कपड़ा था तो यहाँ से हम कटिंग नहीं करेंगे और इस साइड भी दूसरी मोरी की साइड भी हम कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। इस तरह से ये इधर हमारा सिलाई का निशान है और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। एक या डेढ़ इंच का हम अंदर मार्जिन रख देते हैं और उसी के हिसाब से हम कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब हम आपको ये सीधा करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी इसकी जो लेंथ वगैरह है उसमें हमने कुछ नहीं किया और ये सिर्फ हमारी जो साइड की फिटिंग थी उसको ही हमने करना था और ये हमने जो हमारा पुराना जो दूसरा प्लाजो था उसी के हिसाब से ये 20 इंच की हमने मोरी के हिसाब से इसकी सारी फिटिंग दी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बनकर अब तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।